नासिक लोकसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार हेमंत गोडसे ने दाखिल किया नामांकन। सीएम शिंदे, एनसीपी नेता छगन भुजबल भी मौजूद रहे। थाने में शिवसेना प्रत्याशी श्रीकांत शिंदे ने किया रोड शो, जेसीबी से पहनाई गई फूलों की माला। श्रीकांत शिंदे के नामांकन रैली में शामिल हुए सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, लोगों से वोट की अपील की। टीएमसी प्रत्याशी दीपक अधिकारी ने दाखिल किया नामांकन। घाटी लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार। सीएम नवीन पटनायक ने कांटाबाजी विधानसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। पर्चा दाखिल करने के दौरान सीएम पर हुई पुष्प वर्षा। आज एनडीए के कई बड़े नेताओं के नामांकन का दिन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पर्चा भरा। नामांकन से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने मां समलेश्वरी मंदिर में पूजा पाठ किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। नामांकन से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाया दम, रथ पर दिखे बीजेपी के कई बड़े नेता। हाजीपुर से चिराग पासवान ने नामांकन किया, घर में पूजा पाठ कर भगवान का आशीर्वाद लिया। नामांकन से पहले चिराग पासवान ने दम दिखाया, पिता रामविलास पासवान को याद किया। सारण से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने किया नामांकन, लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी से है टक्कर। नामांकन से पहले राजीव प्रताप रूडी ने पूजा की, जीत का आशीर्वाद मांगा। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने पर्चा भरा, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के बारामूला से उमर अब्दुल्ला ने नामांकन किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने पर्चा भरा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। गुजरात के सुरेंद्रनगर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा 10 साल पहले देश की सरकार से गरीबों को भरोसा उठा, कांग्रेस सरकार खुद को माई बाप समझती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 10 साल पहले पूरी दुनिया भारत को बोझ समझती थी, बम धमाके होते थे, बड़ी कंपनियां भारत का नाम नहीं लेती थी, आज भारत का दुनिया में डंका बज रहा। आतंकवाद पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आज आतंकवादियों को भेजने वालों को पता है कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा, कहा हिंदू समाज को बांटने के लिए खेल खेला गया, वे राम भक्तों और शिव भक्तों में भेद करके लड़ाना चाहते हैं। जूनागढ़ में कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने घेरा, कहा कांग्रेस का दूसरा एजेंडा सीए, कांग्रेस को मेरी चुनौती, देश में ना फिर से 370 ला पाओगे, ना सीए हटा पाओगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के आणंद में रैली की, बीजेपी के पक्ष में समर्थन मांगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के शहजादे संविधान लेकर नाच रहे हैं, पहले देश में दो संविधान चलते थे। जिस संविधान को आज माथे पर रखकर के नाच रहे हो, क्या इस देश में 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान के आतंक का टायर पंचर हो गया, आतंकवाद सप्लाई करने वाले अब भीख मांग रहे। आज देखिए ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंचर हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस आतंकवादियों के आंकड़ों को सारी जानकारी देती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बताया फेक फैक्ट्री, कहा कांग्रेस फेक फैक्ट्री हो, यानी कि फर्जी मालों की फैक्ट्री बन चुकी है। मोदी गरीब को इतनी संतुलन क्यों खो बैठी है? भाइयों बहनों, कांग्रेस आज फेक फैक्ट्री यानी फर्जी माल की फैक्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमने धारा 370 हटाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि दी। 3 मई को बंगाल और झारखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम। सीतापुर में गृहमंत्री शाह ने की जनसभा, लोगों से वोट की अपील की। यूपी से बीजेपी के दो उम्मीदवार घोषित, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी कैंडिडेट, कैसरगंज से करण भूषण को प्रत्याशी बनाया। कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह का टिकट काटा गया, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट दिया गया।
अपनी उम्मीदवारी पर करण भूषण ने बीजेपी का आभार जताया, कहा समस्त भाई बहनों को धन्यवाद प्रकट करता हूं। समर्थकों के सामने भावुक हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष, कल पार्टी ने प्रदेश महासचिव पद से हटाया। बिहार के दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अररिया में रैली कर समर्थन मांगा। जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन को बताया घमंडिया गठबंधन का, घमंडिया गठबंधन को देखकर बड़ा दुख होता है। 8 मेडिकल कॉलेज नए दिए मोदी जी ने, 8 मेडिकल कॉलेज। मैं अभी पूर्णिया उतरा था, मुझसे बोलते थे उस समय तारकिशोर जी कि हमको मेडिकल कॉलेज दो, आज वहां भी मेडिकल कॉलेज खुल गया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, कहा 1971 का इतिहास याद करिए, कांग्रेस ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, सरकार बनी तो पार्टी बदलने वाले विधायक को निष्कासित किया जाएगा। हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का बड़ा ऐलान, कहा चुनाव के बाद बदलेंगे शहर का नाम। हम एक स्त्री को सम्मान देना चाहते हैं और जब एक स्त्री उम्मीदवार ठहरी हुई है, जीत के बाद एक स्त्री का सम्मान में हम उन्हीं के घर के बहू को उनका नाम से, जो पहले भी था भागनगर, बस उसी को फिर से लेके आएंगे। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की इमोशनल अपील, का आइए दिग्विजय सिंह का आखिरी चुनाव, उन्हें मौका जरूर दें। वो 30 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं, वो 70 साल के हो चुके हैं, उनका आखिरी चुनाव है। बस मेरी आपसे प्रार्थना है कि 7 तारीख को एक बार हमें मौका दीजिए। अनुराग ठाकुर का बयान, यूपी में चल रहे शिमला जैसी ठंडी हवाएं, यूपी ठंडा हुआ गुंडागर्दी से, गैंगवार से, माफियागिरी से, दबंगई से और परिवारवाद से। असम के मानकाचर में AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल का गुस्सा बेकाबू, मंच पर अपने ही कार्यकर्ता को चांटा मारा। वीर से सलाम का जवाब नहीं मिलने पर भड़के अजमल, कहा जिसे भी चाहे वोट डालो मैं तो चला। सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा औरंगजेब की तरह लगाना चाहती है जजिया कर। औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे एक कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस देश के अंदर गौहत्या की खुली छूट देना चाहती है। गुजरात के पोरबंदर से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भव्य रोड शो निकाला, उमड़ा जनसैलाब। रांची में पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया, बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठी के लिए वोट मांगा, जनसैलाब उमड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में रोड शो किया, तिरंगे के साथ सड़कों पर नजर आए आपके झंडे। लखनऊ में मतदान को बढ़ावा देने के लिए लिया जा रहा संगीत का सहारा, तन्मय ड्रम सर्कल नाम के ग्रुप ने युवा वोटर्स को लुभाने के लिए वोट करो मतदान के लिए प्रस्थान करो नाम का गीत। कश्मीर में मतदाताओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों ने भव्य रोड शो निकाला, रैली निकाली, वोटिंग की अहमियत को समझाते हुए बैनर से सजी घोड़ा गाड़ियां भी इसमें शामिल हुई। वडोदरा में सामूहिक विवाह में मतदाता जागरूकता के लिए अनोखा अभियान, बारातियों को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। हैदराबाद में शांतनु गुप्ता की लिखी पुस्तक 101 रीजंस व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी का विमोचन, कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल हुई। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे ने राज ठाकरे से मुलाकात की, चुनाव को लेकर चर्चा की। मुंबई में कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए, लोगों से की बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने रैली की, बीजेपी के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा। यूपी के मैनपुरी में चढ़ा सियासी पारा, सीएम योगी ने भव्य रोड शो किया, जनता का जनसैलाब उमड़ा। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर सिटी विधानसभा क्षेत्र में खलील अहमद का प्रचार, घर घर जाकर समर्थन मांग रहे। एमपी के खरगोन में बीजेपी के पूर्व मंत्री का अनोखा प्रचार, घोड़े पर सवार होकर जनता से मुलाकात कर रहे। मुंबई में पीयूष गोयल की नमो रथ यात्रा, बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। कर्नाटक के बेलगाम में चुनाव आयोग की पहल, हॉट एयर बलून के जरिए चलाया मतदान जागरूकता अभियान।
होशियारपुर में पंजाब के सीएम भगवंत मान का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सीएम मान ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने रैली की, लोगों से की बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील। गुवाहाटी में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने की जनसभा, बीजेपी के पक्ष में समर्थन मांगा। तेलंगाना के जगतियाल में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सभा की, कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी के पक्ष में वोट देने की अपील की। राजौरी में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। लॉन्च हुई ओकाया की ई बाइक फराटो डिस्ट्रप्टर, 95 किलोमीटर प्रति घंटा है टॉप स्पीड। 159,999 रुपए बाइक की कीमत, 1,000 शुरुआती कस्टमर्स के लिए महज 500 रुपए बुकिंग अमाउंट। चारधाम यात्रा के दौरान आपदा संबंधित तैयारियों को परखने के लिए आज हरिद्वार में हुई मॉक ड्रिल, हर की पौड़ी के पास डूबते लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची। पश्चिम बंगाल बोर्ड ने जारी किए 10वीं क्लास के रिजल्ट, चंद्रचूड़ सेन ने पूरे राज्य में टॉप किया। रविवार को आयोजित होगी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी की परीक्षा, जारी किए गए एडमिट कार्ड्स। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों के लिए शानदार खबर, उत्तराखंड सरकार ने 25 मई तक के लिए वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आम श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा गया। तमिलनाडु की नीलगिरी के ऊटी का रोज गार्डन बना आकर्षण का केंद्र, 4300 से अधिक गुलाब की किस्मों के विशाल संग्रह। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय बना ऊटी का रोज गार्डन, गुलाबों को देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे। अगरतला में रक्तदान शिविर का आयोजन, त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने शिरकत की। केदारनाथ में बर्फबारी के कारण सफेद चादर में ढकी केदारपुरी, लौटी ठंड। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट, 15 मार्च से शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद अब मौसम सुहाना, 1 से 2 इंच तक बर्फ जमी। 12 मई को खुलेगा बद्रीनाथ के कपाट, तैयारियां जोरों पर। उत्तराखंड के चमोली में बदला मौसम का विचार, भारी बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट। कश्मीर में बारिश और बर्फबारी आफत बनी, उरी इलाके में लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के साथ हवा में उड़ते देखे पत्थर, पूरे इलाके में दहशत। लैंडस्लाइड की वजह से ट्रांसमिशन लाइन को नुकसान, बिजली बाधित। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में भारी बर्फबारी के बाद इलाके का संपर्क देशभर से कटा, रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी। कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, कई गांवों का संपर्क टूटा, बिजली भी बाधित।